हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद वर्षा में आपका स्वागत है। मैं वर्षा पवार आज लेकर आई हूँ फ्रेंड्स आपके लिए चने की दाल की टेस्टी वाली बड़ी ही स्वादिष्ट पकौड़ी लेकर आई हूँ। तो चलिए बनाते हैं पकौड़ी। हाँ, और अगर आपने इस तरह की पकौड़ी पहले भी कभी बनाई है चने की दाल की, बेसन की तो हम अक्सर बनाते हैं, कभी आपने चने की दाल की पकौड़ी अगर बनाई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि कैसे बनाई है, कैसी लगी आपको। तो चलिए बनाते हैं चने की दाल की पकौड़ी। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी चने की दाल रात में भिगो दी थी, तो ये भीगने के बाद में ये ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक कटोरी, इस साइज़ की कटोरी से मैंने एक कटोरी भिगाई थी, तो ये 1.5 से 2 कटोरी के लगभग हो गई है। तो अब हम इसे एक मिक्सी जार में पीस लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे बताती हूँ क्या क्या सामान लिया है पकौड़ी के लिए। मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, हरी मिर्च ली है 2 से 3 बारीक काट के, धनिया पत्ती ली है, सौंफ ली है, अजवाइन ली है, हींग ली है थोड़ी सी, लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मिक्सी जार में मैं सबसे पहले चने की दाल को पीस लेती हूँ। जो हमने चने की दाल भिगोई थी ना रात में, उसे हम मिक्सी जार में पीस लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे हम इसे। तो ये देखिए, मैंने दाल, सारी दाल पीस ली है और इस तरह से पीस के तैयार हो गई है। इस तरह से हमें पीसनी है, ज़्यादा बारीक नहीं करनी है, हल्की सी मोटी टाइप में रहने देनी है। और बस अब इसमें हम सारे मसाले मिला लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च जो काटी थी वो इसमें डाल लेती हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेती हूँ। अगर आपको लहसुन नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अजवाइन डाल देते हैं, साथ ही साथ सौंफ डाल देते हैं इसमें, जीरा डाल देंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, धनिया पाउडर डाल देते हैं और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। अब ये जो धनिया पत्ती हमने धो के रखी थी ना, ये डाल देते हैं इसमें। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैं यहाँ पे स्पून का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हाथ से ही बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें इसे। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखेंगे थोड़ा सा हमें टाइट लग रहा है, तो अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अगर इस तरह की पकौड़ी बनाएंगे ना, तो आप अधिकतर इसी टाइप की पकौड़ी बनाओगे चने की दाल की, बेसन की पकौड़ी ही बनाना बंद कर दोगे, क्योंकि ये पकौड़ी बेसन की पकौड़ी से ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए, अब मैं इसमें हींग डाल देती हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसे ढक के कुछ देर के लिए हम साइड में रख देते हैं, तब तक हम तैयारी कर लेते हैं चटनी की। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 5 से 6 हरी मिर्च ले लेती हूँ, 2-3 लहसुन की कलियाँ डाल लेते हैं इसमें, और हरा धना, और थोड़ी सी बारीक वाली सेव डाल रही हूँ। सेव से भी चटनी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। नमक, और अब ये थोड़ा सा दही डाल लेती हूँ मैं, 1 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पे दही डाला है इसमें। दही से चटनी का कलर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, चटनी बनके तैयार हो गई है। अब यहाँ पे एक कढ़ाई में हम तेल गर्म करने रख देते हैं, पकौड़ियाँ निकालनी है हमें। अब ये तेल गर्म हो गया है, अब इसमें पकौड़ियाँ डाल देते हैं। मैं छोटी छोटी साइज पर पकौड़ियाँ डाल रही हूँ।
ये देखिए हल्की सी ब्राउन होने लगी है ये, तो इसे हम हल्का हल्का हिला देते हैं, मिला देते मतलब इसे पलट देते हैं। अभी तो कुछ देर और फ्राई होने देना है हमें। ये देखिए अब अच्छे से पलट देते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से कलर में फ्राई हो गई है पकौड़ियाँ। अब हमें निकाल लेते हैं और इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम इसे कुछ देर के लिए इसी में रहने देते हैं, तो निकल जाएगा वो। अब दूसरी बार की पकौड़ियाँ भी हम डाल देते हैं। ये देखिए दूसरी बार की पकौड़ी भी मैंने डाल दी है और ये भी हल्की सी ब्राउन हो गई है। अब इन्हें भी अच्छे से निकाल लेते हैं हम। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गई है पकौड़ियाँ भी। इसी तरह हम सारी पकौड़ियों को बना लेते हैं। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में सर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चटनी एक कटोरी में पहले से निकाल ली है। अब सारी पकौड़ियों को इसमें डाल देते हैं प्लेट में, और इसी के साथ मैंने हरी मिर्च भी तल ली थी पकौड़ी के साथ में, तो वो भी मैं इसी में रख देती हूँ ऊपर से। बहुत ही टेस्टी पकौड़ी बनी है फ्रेंड्स। अगर आपने चने की दाल की पकौड़ी कभी बनाई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपने बनाई है और कैसी लगी है आपको खाने में। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं लेकर आऊँगी आपके लिए एक और नया वीडियो। तो बाय बाय।